हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, मेटल सेक्टर में काफ़ी शेयर्स ने बहुत पैसा आपको बना के दिया है और मेटल एक साइक्लिकल सेक्टर होता है। 2-3-4 साल में बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है, कई बार तो ये जो है काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन में चला जाता है। 6-6 साल जो है पैसा नहीं बनता और उसके बाद जब बनता है तो छप्पर फाड़ के बनता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेटल सेक्टर के एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पास्ट में एक्सेप्शनल रिटर्न दिए हैं और क्यों ये स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इज़मा इन्वेस्टमेंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मेटल का जो प्राइस है वो साइक्लिकल होता है नेचर में। इवन जैसे कोई कंपनी स्टील बनाती है या कोई कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल बना रही है जो स्टील में यूज होता है, आयरन और प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, तो वो सब चीजें साइक्लिकल हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं और काफी रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है तो काफी चीजों पर ये डिपेंड करता है। तो हमने देखा होगा टाटा स्टील का आप एग्जांपल लीजिए, 2008-10 में एक्सेप्शनल रिटर्न वहां पर देखने को मिले थे जब उसके बाद रिवाइवल आया था, उसके बाद लंबा कंसोलिडेशन में स्टॉक गया और कोविड के बाद जो वहां पर तेजी आई उसके बाद फिर से स्टॉक लंबे जो है करेक्शन में घूम रहा है। तो ऐसे में मेटल के स्टॉक में जब आप मेटल स्पेस में कोई स्टॉक पोर्टफोलियो में रखते हैं तो यहां आपको कोई नहीं बोलेगा आप लोअर 20-10 साल भूल जाओ। आपको यहां टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपने टाटा स्टील जैसा शेयर टॉप लेवल पे खरीद लिया तो आपको हो सकता है 6-7 साल में भी कोई बड़े रिटर्न ना मिले, और उसी को अगर आपने बॉटम के समय पर खरीदा है तो वहां पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो टाइमिंग बहुत मैटर करती है। जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो 1000 रुपए का सीएमपी है, 2500 करोड़ की छोटी सी मार्केट कैपिटल है। शायद आप तक समझ चुके होंगे, नहीं समझे हैं तो हम जो है बात कर रहे हैं HEG की, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक ग्रेफाइट की बात आज यहां पर हो रही है। फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक है एक्सेप्शनल रिटर्न इसने पास्ट में दिए हैं, बट मैं ये नहीं कहूंगा उस तरह के रिटर्न यहां पर देखने को मिल सकते हैं। बट ये जो कंपनी है हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट्स, ये जिस तरह से कैपेसिटी एक्सपेंशन और बड़े प्लान्स इनके अदर सेक्टर्स में जाने के हैं, यहां पर जो है क्यों ये फ्रेंड्स काफी अट्रैक्टिव लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इस बारे में हम आपको बात करते हैं। अगर चाइना को छोड़ दें तो दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी है। 80,000 टन पर एनम की जो इनकी कैपेसिटी है उसको बढ़ा के 1,00,000 टन पर एनम कर दिया है इन्होंने। बैलेंस शीट ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इंटरनल एक्रुअल से सारा काम किया है इन्होंने, काफी जबरदस्त कैश जो है इनकी बुक्स पर है। फ्रेंड्स, इन्होंने एक TACC नाम से एक सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट करी है और यहां पर जो है ये 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ओवर द पीरियड ऑफ 5-7 ईयर्स में करेंगे। 1000 करोड़ पहले फेज में और बचा हुआ सेकेंड फेज में। फ्रेंड्स, यहां पर जो है लिथियम आयन सेल में प्रोड्यूस यूज होने वाला मेटल जो है ये बनाने वाले हैं और 20-22 MWh जो सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसका प्लांट ये लगाने वाले हैं और एक अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। फ्रेंड्स, ये काफी ग्रोइंग बिजनेस है, डिमांडिंग बिजनेस है और HEG को एक्सपर्टीज है इन सब में। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो प्रोडक्ट है वो स्टील के प्रोडक्शन में भी यूज होता है और लिथियम आयन बैटरी में भी यूज होता है, तो बैकग्राउंड है कंपनी का, प्रमोटर का एक्सपीरियंस है। तो यहां पर जो है ये जो अपना जो नए प्रोडक्ट में कंपनी एंट्री ले रही है वहां पर बड़ी संभावनाएं आने वाले समय में दिखती हैं। फ्रेंड्स, कुछ चैलेंजेस भी जो है यहां पर जो है इस अनडाउटेडली इस स्पेस में है। मैं क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है वो बनता है निडल कॉक से और निडल कॉक बनता है एक क्रूड डेरिवेटिव से, तो आप समझ लीजिए कि तो इनका जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट होता है पूरी तरीके से, तो वो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन और जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो पूरी तरह से उस पर डिपेंड रहता है। तो यहां पर और स्टील के प्राइसेस पर भी ऑब्वियसली, क्योंकि जो इनका जो एंड यूजर है वो स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इवन वर्ल्ड इनका 36% रेवेन्यू वर्ल्ड की जो है टॉप 10 जो है स्टील कंपनीज है उनसे आता है। ग्रेफाइट एनोड ये बनाने जा रहे हैं, उस मेटल का मैं नाम ढूंढ रहा था, ग्रेफाइट एनोड जो TACC कंपनी है इनकी जो बनाएगी जो लिथियम आयन सेल बैटरीज में यूज होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बड़ा चैलेंजेस है। तो इनके जो रिवेन्यूज और टॉप लाइन बॉटम लाइन है जो फाइनेंशियल्स हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं रहते। अगर
स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और क्रूड का प्राइस नीचे है, तो मार्जिन विल शूट अप लाइक एनीथिंग और दे विल गेट द एक्सेप्शनल प्रॉफिट। 2019 के आसपास सारी ही ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी को जबरदस्त इन्वेंटरी बेनिफिट हुआ है, प्राइस बढ़ गया और वहां पे एक्सेप्शनल प्रॉफिट इनको देखने को मिला है। तो वो एक एक्सेप्शनल टाइम था, बट मुझे लगता है आने वाले टाइम में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का प्राइस स्टेबल रहेगा, क्रूड का प्राइस भी स्टेबल होने की बात लग रही है और स्टील की डिमांड रहेगी तो वहां पर भी जो है प्राइस हाइक आपको देखने को मिलेगा। तो इंटरलिंक इंडस्ट्री है, अभी जो रिजल्ट आए हैं इनके वो ठीक ठाक आए हैं, इनलाइन विद एक्सपेक्टेशंस आए हैं और स्टॉक जो है काफी करेक्टेड भी यहाँ पर अपने हाई से जो है हो चुका है। फ्रेंड्स दो यहाँ पर जो है चीज़ें हैं, पहला तो जो ग्रेफाइट, मैं इसी सेक्टर में ग्रेफाइट इंडिया को भी मैं ट्रैक करता हूँ, वो स्टॉक भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, बट मार्जिन्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में HEG उससे छोटी कंपनी है, भले ही टिकट साइज बड़ा है, ग्रेफाइट बहुत बड़ी कंपनी है कैपेसिटी वाइज इनसे और उसके मार्केट कैपिटल भी जो है इनसे लगभग 2.5 गुना के आसपास है। कंपनी ग्रेफाइट इंडिया के Q3 के रिजल्ट सॉरी आ चुके हैं जो ठीक ठाक इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आए हैं और HEG के रिजल्ट्स अभी आना बाकी है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में मुझे HEG अच्छी भी लगती है ग्रेफाइट इंडिया के कंपैरिजन में और यहां पर वैल्यूएशंस भी ग्रेफाइट इंडिया के कंपैरिजन में मुझे अट्रैक्टिव लगते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा दो रीजन से इसको खरीदने का कारण है जो मेरे को स्टॉक अच्छा लगता है, पहला ये कि आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के प्राइस भी बढ़ेंगे, स्टील की डिमांड हाइयर नोट पे बनी रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह के स्पेंडिंग्स वर्ल्ड वाइड होनी है, चाइना की रीओपनिंग का ये बड़ा प्लेयर है और क्रूड के प्राइस भी मुझे लगता है स्टेबल रहेंगे। दूसरा ग्रेफाइट एनोड के लिए जो ये बड़ा जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, नॉट कैपेसिटी एक्सपेंशन, जो अपने सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से भी बड़ा रेवेन्यू आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, वेल एक्सपीरियंस प्रमोटर हैं और वो पूरा एक्सपेंशन माना जा रहा है कि इंटरनल एक्वल से ही हो जाएगा, 1000 करोड़ से ऊपर का कैश इनकी बुक्स पे इस टाइम पड़ा हुआ है और आने वाले टाइम में कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी वो भी इन्वेस्ट करेगी, तो बहुत बड़ी डेट कोई बैलेंस शीट पर आए उसके चांसेस भी कम है। तो यहाँ पर इन्होंने अपने कोर प्लांट का भी कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है अभी 20-25% के आसपास में, न्यू फॉरे में भी ये एंट्री ले रहे हैं ग्रेफाइट एनोड के और स्टॉक करेक्टेड भी है, तो सारी चीज़ें इसके फेवर में मेरे को लगती हैं। मेरे को नहीं लगता फ्रेंड्स कि यहाँ पर कोई एक्सेप्शनली करेक्शन इन लेवल से देखने को मिलेगी, स्टॉक यहाँ एक प्योरली बाइंग रेंज में है, जितना नीचे जाए उतना ऐड करके 2-3 साल बैठ जाइए, ये स्टॉक आपको यहाँ से डबल देने का पूरा पोटेंशियल रखता है। अगर आप इस प्राइस से इसको ये मान लीजिए और 10-15% टूट जाता है और आप हर 10% की गिरावट पे 10% स्टॉक उठा लेते हैं और आप 3 साल बैठ जाइए, ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है यहाँ से 2000 रुपये के लेवल को क्रॉस करने का। फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आपके अपने चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।